जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड BPPEB द्वारा जारी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फोटोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट, अन्वेषक आदि के पदों की। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फोटोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अन्वेषक के रिक्त पदों पर पूर्ववर्ती व्यापकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और पद से संबंधित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूं दिनांक 1 अप्रैल 2018 के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों के नाम। और इसका सही जवाब दिया है निशांत सक्सेना, राहुल पाल जे के, पीयूष कुमार, किशन बंसल, विजय लक्ष्मी पटेल, कृष्ण कुमार, डायबूट खान, सहदेव बर्मन, सुनील कुमार, संतोष पाल, नरेंद्र चौधरी, सीताराम गयार, हरीश भाटी। और सबसे पहले सबसे जल्दी सही जवाब दिया है मिस्टर निशांत सक्सेना ने। निशांत सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप दिनांक 1 अप्रैल 2018 को सही जवाब देने वालों में सबसे आगे हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। साथियों, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब लोकेशन इसकी मध्य प्रदेश है। पोस्ट का नेम असिस्टेंट ग्रेड 3। असिस्टेंट ग्रेड 3 पद हेतु शैक्षिक योग्यता, असिस्टेंट ग्रेड 3 पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एक वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए या बीई, बीटेक, एमसीए या आईटी या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 के कुल पदों की संख्या 11 है, जिसमें 5 जनरल के लिए और 2 एससी के लिए और 4 एसटी के लिए रिजर्व हैं। पोस्ट नेम असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और 2 वर्ष का लाइब्रेरियन में डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 10 है, जिसमें जनरल के लिए 5 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3। और इसमें कैटलॉगर के टोटल पदों की संख्या 4 है, जिसमें जनरल के लिए 2 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। और डीएलसी टोटल पद 1 है, जो जनरल के लिए रिजर्व है। नेम ऑफ पोस्ट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के पद हेतु शैक्षिक योग्यता, फोटोग्राफर पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए और फोटोग्राफी में डिप्लोमा और 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है, जो जनरल के लिए रिजर्व है। पोस्ट नेम रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री PGDCA कोर्स के साथ होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइप का ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है, जिसमें 1 जनरल के लिए और 1 एसटी के लिए है। पोस्ट का नेम स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के कुल पदों की संख्या 7 है, जिसमें जनरल के लिए 4 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पद रिजर्व है। पोस्ट का नेम असिस्टेंट ग्रेड 1 का पद है ये, और इसके लिए शैक्षिक योग्यता
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल पदों की संख्या 16 है, जिसमें जनरल के लिए 8 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 2 पद रिजर्व हैं। पोस्ट का नेम अन्वेषक, अन्वेषक पद हेतु शैक्षिक योग्यता रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथ या सोशियोलॉजी में सेकेंड डिविजन मार्क्स के साथ बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल पदों की संख्या 40 है और जो जनरल के लिए है। एज लिमिट, एज लिमिट दूसरे स्टेट के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है, और मध्य प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा में छूट MEEB रिक्रूटमेंट के नियमानुसार मान्य होगी। एप्लीकेशन फी, एमपी के जनरल अभ्यर्थी और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क ₹570 और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ₹320। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। इम्पोर्टेंट डेट टू रिमेम्बर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की स्टार्टिंग डेट 24 मार्च 2018 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट और एप्लीकेशन फी पे करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2018 है। अगर एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2018 है। एग्जाम की संभावित तिथि 28 और 29 अप्रैल 2018 है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड और पद से संबंधित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार MEEB की ऑफिशियल वेबसाइट www.peeb.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट। इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट peeb.mp.gov.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अब समय है आज के क्वेश्चन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। इसी तरह जॉब के डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।